जब भी किसी को हार्ट अटैक पड़ता है और पेशेंट की एंजियोग्राफी होती है तो उस एंजियोग्राफी में उसके ब्लॉकेजेस पता चलते हैं। ऐसे में उस पेशेंट के अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो उसको एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है, और अगर ब्लॉकेजेस उसकी तीनों नसों में हो या फिर लेफ्ट में आर्टरी में हो तो उसको बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। पर क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि बिना एंजियोप्लास्टी या बिना बाईपास सर्जरी के पेशेंट को आराम मिल जाए और पेशेंट की ज़िंदगी बच सके? तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे पेशेंट बिना एंजियोप्लास्टी और बिना बाईपास सर्जरी के भी सर्वाइव कर सकता है और उसको सिम्टम्स में भी रिलीफ मिल जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि भविष्य में जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँ आपके नोटिफिकेशन उसको मिलते रहें। बेसिकली जब भी किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो हार्ट अटैक का मतलब है कि उसके दिल की नस में ब्लॉक आ गया, तो हम उस वक्त एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। पेशेंट की एंजियोग्राफी करी जाती है, उस क्रीज में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हम एंजियोग्राफी में देख सकते हैं। उस ब्लॉकेजेस के आधार पर उसका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर किसी मरीज की एक या दो नस में ब्लॉकेज होते हैं तो उसको एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। अगर किसी मरीज के तीनों नस में ब्लॉक है या लेफ्ट में आर्टरी ब्लॉक है और पेशेंट डायबिटिक भी है तो उसको बाईपास सर्जरी यानी कि CABG के लिए हम रेफर कर देते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज़ होती है, जैसे कि किसी की किडनी फेल है या किसी को कोई और बीमारी है या बहुत ज़्यादा मोटापा है जिसमें बाईपास सर्जरी में खतरा है, या पेशेंट को किसी तरह का कोई कैंसर है जिसकी वजह से उसकी सर्जरी नहीं हो सकती है। अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती, या कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट अपनी सर्जरी या एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहता। तो ऐसे में क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है, क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट मौजूद है कि पेशेंट बिना सर्जरी के, बिना एंजियोप्लास्टी के और बिना बाईपास सर्जरी के वो पेशेंट सर्वाइव कर पाए, उसके सिम्टम्स रिलीफ हो जाएं और पेशेंट अच्छी ज़िंदगी जी सके? तो दोस्तों, ऐसा एक ट्रीटमेंट है जो हम करते भी हैं, उस ट्रीटमेंट का नाम है एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। उस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि 35 सिटिंग्स का कोर्स होता है, उसमें एक घंटे की एक सिटिंग होती है, तो इसमें एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन मशीन में पेशेंट को वो सिटिंग दी जाती है। एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी के बाद जो पेशेंट के हार्ट में कोलेटरल्स होते हैं, कोलेटरल्स का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट को एंजाइना में रिलीफ मिल जाता है और पेशेंट की हार्ट की पावर भी बढ़ सकती है। ये नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, कोई किसी तरह का इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है ये ट्रीटमेंट सिर्फ इंडिया में चल रहा है, ये USFDA अप्रूव्ड है। USFDA मतलब ये अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था है जो किसी भी ट्रीटमेंट के अप्रूवल के लिए ज़रूरी होती है, तो वहाँ से भी इस ट्रीटमेंट को अप्रूवल मिल चुका है, खास करके उन पेशेंटों में जिसमें किसी वजह से एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी नहीं हो पा रही है और पेशेंट को एंजाइना रिलीफ नहीं हो रहा मेडिकेशन पे। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। हम आगे आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जो ये ट्रीटमेंट करा चुका है, उसको ट्रिपल वेसल डिसीज विद लेफ्ट में डिसीज थी, मतलब उसके दिल के तीनों नसों में ब्लॉकेज थे, साथ में जो लेफ्ट में आर्टरी थी उसमें भी ब्लॉक था, और उसने ये एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी को चुना और हमारी दवाइयाँ ली, और 2.5 साल हो गया उस पेशेंट को करीब करीब, और वो पेशेंट को अब सिम्टम फ्री है, एकदम बढ़िया है। जब भी हमें हार्ट अटैक पड़ता है या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आते हैं तो सबसे पहले दो ही ट्रीटमेंट दिमाग में आते हैं, एक है एंजियोप्लास्टी, एक है बाईपास सर्जरी। आज हमारे पास एक ऐसे पेशेंट हैं महावीर जी, जिनकी 2.5 साल पहले इनको हार्ट अटैक पड़ा था, और इनकी जब एंजियोग्राफी हुई थी तो दिल की तीनों नसों में ब्लॉकेज थे, साथ में लेफ्ट में आर्टरी भी इनकी बंद थी। जब मरीज को बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई थी तो मरीज ने उसके लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि बाईपास का वो खतरा भी नहीं उठाना चाहते थे। फिर वो पेशेंट हमारे पास आए, हमने भी उनको बाईपास के लिए बोला, लेकिन इन्होंने तब भी मना कर दिया। फिर हमने इनकी एक थेरेपी करी जिसका नाम है एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी। वो थेरेपी करने के बाद पेशेंट के सिम्टम्स सारे चले गए, और 2.5 साल हो गए इनका ट्रीटमेंट चलते हुए और दवाइयां चलते हुए, तो उसके बाद से इनको ना कभी दर्द हुआ ना कभी अटैक पड़ा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट ही बाईपास सर्जरी से ठीक होते हैं या एंजियोप्लास्टी से ठीक होते हैं, बल्कि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दवाइयों से या थेरेपी के द्वारा भी हम ठीक करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनका कैसा अनुभव रहा। इन्होंने 2.5 साल पहले मेरे लिए बाईपास सर्जरी के लिए बोला था, और डॉक्टरों ने बोला था, मैं जयपुर भी गया था, वहाँ बाईपास सर्जरी के लिए बोल रहे थे, मैं वहाँ से चलाया, इन पे मैंने थेरेपी कराई, और आज तक इन्हीं का इलाज चल रहा है। मुझे आज तक 2.5 साल में कोई परेशानी नहीं हुई, इनकी थेरेपी से मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ, मेरे लिए तो ये भगवान है, डॉक्टर नहीं है। देखा, इनके शब्दों से ये बयां होता है कि ये कितने शुक्रगुजार हैं इस थेरेपी के लिए और इस ट्रीटमेंट के लिए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी अपने पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट देते रहेंगे। मैं हूं डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अगर आप मुझे पर्सनली दिखाना चाहते हैं तो आप ईशान हार्ट सेंटर आगरा में मुझे दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।